हे गेमर्स, क्या हो आप सब? आप सबका स्वागत है दो गेम प्ले की एक वीडियो में। तो गाइस यार, क्या ही बात करें यार, दोनों गेम प्ले इतने ज़्यादा तबाही होने वाले हैं कि आप लोग इन्जॉय करना। लेकिन यार, इस वाले दोनों गेम प्ले में यार एस्टोलके का डर देखने को मिलेगा कैसा होता है। तो गेमर्स यार देखो, इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी यार। इसकी एक मेन प्रॉब्लम यही है कि यार मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, जैसा कि यार आवाज़ से आप लोग को पता चल गया होगा। तो यार मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो अब यार वीडियो रेगुलर आने वाली है। तो यार चैनल पर अभी तक नए हो तो यार जरूर से सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि वीडियो तो ज़रूर मिलेगी। तो गेमर, मैं एक बंदे को डाउन कर चुका था इस स्क्वाड के, और यार ये जो बंदा है यार, मैं सोचता हूँ क्यों ना इसको K98 से मारे, लेकिन यार ऐसा नहीं होता। और नीचे की साइड एक बंदा था, उसको देखो कैसे भरते हैं। तो गाइस इसी के साथ साथ इस वाले बंदे को फिनिश कर देते हैं। और यार इनकी स्क्वाड का अभी भी एक बंदा, मतलब अभी दो बंदे बचे हैं जिसमें से एक ही बंदा मुझको मिलता है, और एक का तो कोई पता ही नहीं। तो गाइस यार, इस वाले बंदे के हाथ में थी S12K, लेकिन यार इसका एम अचानक से बिगड़ जाता है और यार मेरा गेम प्ले बच जाता है। तो यार इस वाले बंदे को निपटा के यार हम अपनी डार से, मतलब यार अपनी लैम्बोर्गिनी उठा के इधर से निकल लेते हैं यार मिराडो। और यार मैं आता हूँ इस वाले ड्रॉप को लूटने के लिए, तभी सामने दिखते हैं मेरे को दो बंदे। तो मैं पहले सोचता हूँ भैया यहाँ से निकलो, क्योंकि यार सामने वाले बंदे के हाथ में है MK, और यार मेरी गाड़ी यहाँ पर लड़ जाती है। और इस वाले बंदे का ये सीन, मतलब ये नशे देखते। तो गाइस यार देखो, ये वाला बंदा यार अचानक से क्राउच हो जाता है, इसको लगता है कि भैया मैं बैठ गया तो मुझको गोली नहीं लगेगी। लेकिन यार देखो, ये वाला बंदा नीचे चल के रिवाइव हो जाएगा, और इसके टीममेट मुझ पर रश कर रहे हैं। तो यार इस वाले बंदे को मैं मतलब नॉक करता हूँ, और नीचे से आ रहा है इसका एक और टीममेट। इस वाले बंदे को मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे चुका था, और इस लगे हाथ इस वाले बंदे को फिनिश करता हूँ। लेकिन यार दूसरी बार ये फिर से बंदा आएगा, वो भी मिली वेपन के साथ, मतलब यार पेन लेके। यार बंदा यार बंदे का कॉन्फिडेंस देखो भैया, यार पेन लेके मेरे सामने चलाया। अभी भी यार इस वाले स्क्वाड के दो बंदे बचे थे, और उनको देखो कैसे भरते हैं। नीचे से आती है फायरिंग की साउंड, और ये बंदा UG चला रहा है। तो यार इस वाले बंदे को डाउन करते हैं, और सबसे पहले यार इसका किल चुराते हैं, क्योंकि यार इतने देर से यार उसको मारने में इतना बिजी था कि यार अगल बगल नहीं देखता। तो गाइस यार इसी के साथ साथ ये पूरी की पूरी एक स्क्वाड डाउन हो जाती है, और यार हम अपनी गाड़ी उठा के इधर से निकलते हैं, क्योंकि यार हमको चाहिए था किल कॉन्टेंट बनाने के लिए। तो गाइस यार मैं आ जाता हूँ सेंट्रल रोड की साइड, और देखो सामने की तरफ पूरी एक स्क्वाड एक गाड़ी में भरी पड़ी है। लेकिन यार इन बंदों को देखना कितना गलत मानने वाले हैं, और यार क्या ही सीन होगा यहाँ पे, आपको देख के मज़ा आने वाला है। तो पहले तो मुझको ये बंदा छत पे दिखता है, तो यार इस वाले बंदे को मैं डाउन कर चुका था, और एक बंदे को मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे चुका था। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना एक नेट किया जाए, और यार ये नेट भैया कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक हो जाता है। देखो यार एक बंदा डाउन हो गया, मतलब दो बंदे डाउन हो गए, और एक नेट से फट गया। तो भाई यार अब इस नेट के लिए क्या ही तारीफ करें। तो गाइस इन दोनों को मैं फिनिश कर देता हूँ, फिनिश करने के बाद इसके लास्ट वाले बंदे को ढूंढते हैं। तो गाइस यार इनके लास्ट वाले बंदे की झलक आपको दिख गई होगी, जो यार सांप बना पड़ा है। तो इस वाले बंदे को सांप बनने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी यार, इस वाले बंदे को निपटाते हैं। और देखो यार मुझको यहाँ से M4 मिल जाती है, और यार सामने की तरफ चल रही है फाइट खतरनाक वाली। तो यार मैं जब बंदे दिखते हैं, और मैं मतलब यार जैसे बंदे दिखते हैं मैं फायरिंग शुरू करता हूँ। देखो यार अब यहाँ पे सीन मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है S12K से लेके। तो पहले से मैं सोचता हूँ यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं तुरंत गाड़ी लेके इन पे रस कर देता हूँ। और देखो भाई मैं यार तुरंत अंधा पुश करता हूँ, कि यार मुझे पता था यार यहाँ पे ओनली दो ही बंदे हैं, और यार इनकी स्क्वाड कहीं अलग ही लड़ रही है। तो यार पहले तो मैं इस घर में आता हूँ, और यार फुटस्टेप कंफर्म करता हूँ बंदे मतलब आगे वाले घर पे हैं। तो यार मैं एक ऐसे ही रैंडम ग्रेनेड कुक करता हूँ, मुझे पता था यार ये बंदे सीढ़ियों पे कैंपिंग मार रहे होंगे, क्योंकि यार मेरे फुटस्टेप इनके आगे होंगे, तो यार सीढ़ियों पे यार पीछे से थप्पा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यार मैं एक ग्रेनेड करता हूँ, बंदे को डैमेज होता है, और यार मेरे हाथ में थी S12K।
तो यार दो स्टोल के छापी बंदे को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और यार देखो अब यार ये नेट का गिलिच यार बहुत देखने को मिलेगा। देखो गाइस मैं यहाँ पे यार पता नहीं क्या हो जाता है यार मेरे साथ में, मैं नेट कुक कर रहा हूँ लेकिन यार कैंसिल हो जाता है बार बार। और यार अब तो स्मोक हो गया है, जो यार स्मोक के अंदर तो कुछ नहीं होने वाला। तो पहले तो मैं नीचे की साइड कूदता हूँ क्योंकि यार एक नेट करना बहुत ज़रूरी था यार, बंदे बहुत गलत वाला कैंप मार रहे हैं और यार ये वाला नेट कुछ गलत मेरे पे ही फट जाता है। और यार अब देखो यार नेट तो फेंक नहीं सकते, लेकिन यार फिर से मैं अपना एंगल चेंज करता हूँ और यार एंगल चेंज करके यार फिर से नेट कुक करता हूँ। तो गाइस देखो अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो तो यार एंगल चेंज कर यार बंदे को कंफ्यूज कर सकते हो और यार बंदे को पूरे स्क्वाड को डाउन कर सकते हो। तो यार इस वाले नेट से यार बंदे को कुछ भी नहीं होता और यार तभी बंदे करते हैं फायरिंग। और यार देखो उनको कैसे भरते हैं, मतलब भरते नहीं भैया, अब यहाँ पे हमारे साथ कुछ गलत सीन होने वाला है। तो गाइस यार ये एस्ट्रल के वाला बंदा पीछे से आके यार गलत सीन करके चला जाता है और यार इसी के साथ साथ हमारा यहाँ पे गेम प्ले बर्बाद हो जाता है। तो यार इतना सारा किल कर चुका था लेकिन यार गेम प्ले वहाँ बर्बाद हो गया। और यार इस वाले गेम प्ले की क्या ही बात करें भाई, यार देखो यहाँ पे इतने सारे किल होने वाले हैं ना, अब तुमको क्या ही बताएं। सामने की तरफ आपको एक स्क्वाड दिख गई होगी और यार नीचे सारे एक बंदे का फुटस्टेप जो यार मेरे घर में आ चुका है, तो पहले यार उसको पकड़ेंगे, लेकिन यार हम बिना फुटस्टेप किए हुए। तो गाइस यार इस बंदे को नॉक करने के साथ साथ फिनिश कर देते हैं और फिनिश करने के बाद यार मैं निकल लेता हूँ इस साइड से। और देखो भाई यहाँ पे यार बहुत सारे बंदे हैं और यार इन भाई साहब को देखो यार शॉटगन वहाँ से मेरे ऊपर चला रहे हैं और यार फायरिंग आप लोगों ने सुन ली होगी। और देखो यार यहाँ पे अभी मैं पूरी की पूरी स्क्वाड डाउन करने वाला हूँ, पहले तो यार मैं यहाँ पे किल चुराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यार इस वाले बंदे को मैं डाउन करता हूँ और जैसे ही ऊपर की साइड जाता हूँ मुझको मिल जाती है M4 और भाई यार अब देखो क्या ही किल मिलने वाले हैं। तो गाइस यार इन दोनों बंदों को नॉक थे यार उनको फिनिश कर देते हैं, मतलब यार इनकी आत्मा को शांति देते हैं। और यार ये जो सामने जो बोट लड़ रहे हैं भाई यार ये मेरी हेल्थ देखना कितनी गंदी खाने वाले हैं। तो यार मैं इन दोनों बोट को इग्नोर करता हूँ, मैं सोचता हूँ क्यों ना इन दोनों को छोड़ दिया जाए, लेकिन यार गलत वाला सीन कर देते हैं ये दो बोट, तो यार मुझे निपटाना पड़ता है। तो यार इस वाले बोट को मैं निपटा देता हूँ और यार अंदर की साइड जैसे ही जाता हूँ भाई यार देखो सामने की तरफ एक बोट आता है और ये सीन देखो कैसा होता है, मतलब यार बोट को मैंने यार क्या ही बताया यार अपने फायदे के लिए यूज किया। तो यार हम पबजी बॉय को यार लोबी की तरफ भेज देते हैं और यार आ जाते हैं स्टेडियम पे। और यार ये बंदे मुझको दिखता है जिसको यार मैं नॉक करता हूँ और मैं अपना एंगल चेंज करके इन पे रश करता हूँ, लेकिन यार बंदे मेरे पे नेट कुक कर रहे हैं, मतलब यार अब क्या ही बताएं, नेड मोली भैया यहाँ पे चलने वाली है। तो यार मैं एंगल चेंज करके इन बंदों को देखो कैसे निपटाने वाला हूँ। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग को पता है यार सोलो वर्सेस स्क्वाड में सबसे ज़रूरी चीज़ यार एंगल है, मतलब यार अगर आप एंगल चेंज करके बंदों को मारोगे तो यार तुम्हारा फायदा होने वाला है। लेकिन गाइस यार ये बंदा कुछ गलत ही एंगल से मेरे पे रश कर देता है। तो यार पहले तो मैं फॉल बैक करता हूँ, हेल्थ लगाता हूँ और फिर यार मैं इन बंदों पे रश करता हूँ। देखो गाइस यार ये बंदा सामने की तरफ गलत वाला DPP ले रहा है। तो यार मेरे पास एक मोली पड़ी थी, नेड वगैरह नहीं थे। तो यार देखो एक मैं मोली करता हूँ और बंदे को डैमेज होता है यार, बंदा भागने लगता है यार, उसको पकड़ लेते हैं। तो गाइस यार इसी के साथ इस वाले स्क्वाड के 3 बंदे डाउन हो चुके थे और यार मैं गाड़ी लेके आ जाता हूँ इस साइड और उसका 4th बंदा नहीं मिलता और यहाँ पे मेरे साथ होने वाला गलत सीन। तो गाइस यही था आज के गेम प्ले वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।